मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही ज़्यादा लाजवाब शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। इस रेसिपी के अंदर आपको 3 फ्लेवर एक साथ मिलेंगे, जिसे पी के आपका मन खुश हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लाजवाब शरबत की रेसिपी है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी ली है। इसके अंदर मैंने 2 चम्मच सौंफ ली है और 2 ही चम्मच यहाँ पे खसखस के दाने लिए हैं। 10 से 20 बादाम लिए हैं। यहाँ पर डालूंगी 4 से 5 हरी इलायची। 1 चम्मच यहाँ पे खरबूजे के बीज, आप चाहो तरबूज के बीज भी ले सकते हो। इसके अंदर डालूंगी मैं 1/2 गिलास पानी। पानी हम इसलिए डाल रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। 1-2 बार इसको वॉश करने से क्या होता है, इसकी जो मिट्टी होती है वो बाहर निकल जाती है। यहाँ पे हम 1 से 2 बार वॉश करेंगे और अच्छी तरह से पानी से इसको छान के बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे मैं छन्नी ली है कटोरे के अंदर, आप यहाँ देख सकते हो मैं छान के बाहर निकाल रही हूँ कितना गंदा पानी निकला है। इसी तरह से हमें 1 से 2 बार इसी तरह से वॉश करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर 1 से 2 बार वॉश कर लिया है। अभी हमारे रेडी हैं सभी चीज़ों को। मैं यहाँ पर मिक्सी के जार के अंदर ले लूँगी और इस तरह से हमें ग्राइंड करना है और अच्छा सा पेस्ट बनाकर तैयार करना है। यहाँ पर मैं ढक्कन को लगा लिया है, यहाँ पर मैं ढक्कन को हटा लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर अच्छा सा हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। आपको एक चम्मच की सहायता से भी रफ करके दिखा देती हूँ हाथों में। देखिए यहाँ पर हमारा पेस्ट बिल्कुल सॉफ्ट बना है और क्रीमी क्रीमी बना, इस तरह का हमारा पेस्ट होना चाहिए। शरबत बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर दूध। दूध यहाँ बिल्कुल चिल्ड और ठंडा दूध होना चाहिए। उसके अंदर जो पेस्ट हमने बनाया है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके सभी वेस्ट को इसमें डालना है और ऊपर नीचे करते हुए अच्छी तरह मिक्स करना है। देखते देखते आपका यहाँ पे पेस्ट अच्छी तरह से दूध के अंदर अच्छी तरह से घुल जाएगा और अच्छा सॉफ्ट सा क्रीमी क्रीमी बन जाएगा। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कांच का बोल, उसके अंदर लिया है मैंने तिल की छन्नी, इसके अंदर ले रही हूँ मैं दूध। मैंने दूध में पेस्ट को अच्छी तरह मिक्स करा है, वो इसमें छानना है हमें। थोड़ा थोड़ा करके सभी दूध को इसके अंदर छान के निकाल लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो दूध अच्छी तरह छन चुका है, जो इसके अंदर कचरा निकला है उसे फेंक देंगे। दूध यहाँ पर छन के तैयार हो चुका है और हमारा अच्छी तरह से रेडी है। तो इसमें हम डालेंगे मिठास के लिए चीनी। चीनी यहाँ पर मैं 4 चम्मच ले रही हूँ, हो सके तो आप यहाँ पूरा भी ले सकते हो और मीठा आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हो। चीनी को इसमें लगातार आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक आपकी चीनी अच्छी तरह से घुल ना जाए। दूध यहाँ पर मेरे को ज़्यादा लग रहा है तो इसीलिए मैं यहाँ पर दूध को आधा कर रही हूँ। अगर आपका दूध भी ज़्यादा लगे तो आप इसमें आधा कर लीजिए और मैं यहाँ पे आधे दूध की आपको रेसिपी बना के बताऊँगी और आधा दूध मैं यहाँ पे फ्रीजर के अंदर रख दूँगी, दूसरी बार रेसिपी हम यूज़ करेंगे। बिना गैस जलाए हम शरबत को तैयार कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब शरबत बनेगा। इस तरह शरबत बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके अंदर डालें कुछ फ्लेवर। शरबत को बहुत ही टेस्टी और यमी बनाने के लिए इसके अंदर डालूंगी मैं आइसक्रीम। आइसक्रीम मैंने यहाँ पर स्ट्रॉबेरी ली है। आपको ये 1 कप मार्केट में बड़ी आसान तरीके से मिल जाएगा, बिल्कुल 20 रुपये का। सभी आइसक्रीम को आपको इसी के अंदर डाल देना है 1-1 चम्मच करके। यहाँ पे 2 चम्मच आइसक्रीम निकली है हमारे 1 कप के अंदर और अच्छी तरह से आपको इसमें मिक्स करना है जब तक अच्छा सॉफ्ट और क्रीमी क्रीमी ना बन जाए। और कुछ यहाँ पे बर्फ़ के टुकड़े ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा चिल्ड और ठंडा पीना है तो आप बर्फ़ में टुकड़े डाल दीजिए, तुरंत आप पी सकते हो। वरना आप 1 घंटा फ्रीजर के अंदर रखिए और चिल्ड और ठंडा होने के बाद उसको पीए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। आपने अगर इस तरह का शरबत कभी बनाकर नहीं पिया तो ज़रूर पिए और बनाइए। गर्मियों के मौसम में शरबत बनाना बनता है। और यहाँ पे मैंने ले ली है कांच की गिलासें, उसमें मैं सर्व कर रही हूँ ठंडा ठंडा चिल्ड हमारा शरबत। इतना टेस्टी और इतने यमी है कि पीकर आपका भी मन खुश हो जाए। अगर आपने एक बार बना दिया तो बार बार बनाने का मन करेगा। 20 रुपये के आइसक्रीम से हमने ढेर सारा शरबत बनाकर तैयार करा है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी पाउडर डालेंगे जिससे हमारा शरबत बहुत लाजवाब बन जाएगा और बिल्कुल यमी और टेस्टी बन जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।